चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मशरूम मसाला की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे। इसमें डाल देंगे जीरा, दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे, बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को डाल के हमें बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेना है। बीच बीच में चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को डाल के एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मसाले को मिक्स करेंगे प्याज के साथ। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी जिससे कि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। मिक्स करेंगे। मसाले को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पका लिया है, देख सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे अब मशरूम। मशरूम को डाल के मिक्स करेंगे मसाले के साथ। इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे पहले। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 10 से 12 काजू को ग्राइंड करके। इसे भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसे मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ढक्कन हटाएंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 गिलास पानी। एक छोटे गिलास से पानी डालेंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। 10 मिनट के लिए इसे हमने अच्छी तरह से पका लिया है, देख सकते हैं। मशरूम मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार इस तरह से आप मशरूम मसाला बनाकर जरूर ट्राई करें। आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।